तस्वीप के स्कूल में कल वो है वन डिश, तो वो कह रही मैंने स्पैगेटी लेके जानी है। तो मैंने कहा चले मैं अभी बना देती हूँ, अभी रात के 12 होने वाले हैं, तो मैंने कहा बना के सो जाती हूँ। यहाँ पे जो पूछ रहे थे ना कौन सी सेवैयाँ यूज़ करती हैं, वो ये वाली है। ये देखिए, ये बेक पार्लर की आती है कट सेवैयाँ, तो हम ये वाली यूज़ करते हैं स्पैगेटी में। कोई भी यूज़ नहीं करता लेकिन हम यूज़ करते हैं। उसका रीज़न ये है कि वकास को मोटी सेवैयाँ अच्छी नहीं लगती हैं, वो शौक से खाते हैं, हम कहते हैं क्यों ना वो बना लें। तो हमारी यहाँ पर कढ़ाई रेडी हो चुकी है, जैसे आपको पता है चिकन में फ्राई करके फिर बाद में सारे मसाले शसाले में उसको भून लेती हूँ। और अभी यहाँ पे जो है मैं ऑयल लगा रही थी इसको, और बस अभी नूडल डालती हूँ और फिर इसको दम लगाती हूँ। और काफ़ी लोग मुझे बोल रहे थे बर्तन चेंज कर लो यार, मैंने ऑर्डर किया है, मैं बर्तन जैसे आ जाते हैं तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। मैंने सोचा था कि वो ग्रेनाइट वाले होते हैं ना वो मंगवा लेती हूँ, उसका ना कलर भी नहीं उतरता, तो जैसे ही आते हैं तो तब तक तो मुझे इस्तेमाल करने हैं ना, फिर मैं किस में बनाऊँ खाना, मेरे पास है ही यही शुरू से बर्तन। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये पता नहीं किसने तारे मारी है इनके अंदर जो ये खराब होगा, क्योंकि इन बर्तनों में तारे नहीं मारने चाहिए, क्योंकि मेरा तवा मैं खुद धोती हूँ ना वो अभी तक सही है, इनमें तारे मारी है तो ये खराब हो गए। सारे नहीं खराब हुए, दो तीन बर्तन है जो खराब हो गए, कढ़ाई भी सही है। अच्छा भाई, तो यहाँ पे जो है हमने अपनी स्पैगेटी को दम लगा दिया था, और मैंने कम से कम 15 मिनट दम दिया था, और उसके बाद अब मैंने दम खोला है। उसके बाद मैं स्पैगेटी को मिक्स कर रही हूँ यहाँ पे, नीचे ऑयल लगाने की वजह से ना स्पैगेटी चिपकती नहीं है नीचे, और बड़ा अच्छा दम लगता है, और सालन दरमियान में और ऊपर नीचे स्पैगेटी ऐसे दम लगा लो आप। तो मैं यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ, पर एक हाथ में मोबाइल पकड़ा भाई। तो वकास को 2 बज गए थे आते आते, तो फिर यहाँ पे मैं वकास के लिए रोटियाँ बना रही हूँ। तो मैंने कहा यार इन्होंने स्पैगेटी खाने नहीं कहेंगे, परसों भी बनाई हुई थी आज भी बना रही थी, वही हर घर के मसले। फिर मैंने क्या किया, आलू पड़े हुए थे तो फिर मैंने ना जल्दी जल्दी से आलू बॉईल कर लिए इनके लिए। मैंने कहा या चना चाट बना दूंगी या कटलेट्स बना दूंगी, तो मैंने आधे आलू के कटलेट्स बना दिए, आधे इसी में पड़े हुए। मैंने कहा इनकी अगर उन्होंने कहा चना चाट बना दो तो चना चाट बना दूंगी। अच्छा, इनको फोन करके कहा भी है कि भाई आते हुए दही ले आना, दही नहीं पड़ी हुई घर में, ना टमाटर थे ना दही ना प्याज, इतनी मुश्किल से मैंने कटलेट्स बनाए तो ये नहीं लेकर आए, इनको याद ही नहीं रखते, अब 2 बजे तो मिलेगी भी नहीं कहीं से। फिर मैंने कहा मैं क्या करूँ, हम गुजारा करें आप या टमाटर केचप के साथ खा लें। फिर इन्होंने क्या किया, दूध के अंदर थोड़ा सा दूध लेकर ना उसमें क्यूब्स जो मैंने रखे होते हैं फ्रिज में बना के ना वो घोले। यहाँ बलाज ने मेरी रोटी खराब कर दी है, पास बैठ के ना यही हरकतें करता है। रोटी खराब कू कटे हो, बच्चे अभी तक नहीं सोए कि अब्बा के साथ ही सोएंगे। सही बात है भाई, बच्चों को तो एक मिनट भी नींद आती। हाँ जी, कहते अब्बा आएगा सर। कैसे आप सब लोग? अच्छा भाई, हमारी गाड़ी सही होकर आ गई है। मैंने कहा चले आपको भी दिखा देती हूँ, कहा इसने बोनट का क्या करवाया है, पता नहीं कौन सा बोनट लगवाया है इन्होंने। खैर, अभी हम लोग जा रहे हैं ग्रॉसरी करने के लिए, और कॉल आ गई है मेरी, चले मैं कॉल पिक करती हूँ, फिर हम जब पहुँचेंगे वहाँ पे तो फिर आपको मैं दिखाऊंगी। कास ने जो फ्रंट का शीशा टूटा हुआ था ना गाड़ी का, वो भी चेंज करवा लिया है। अभी जो है हम लोग आए हैं इंजीनियर के साथ कुछ विजिट करने, तो बलाज गया हुआ है पापा के साथ अपने, और पता नहीं काम लगा हुआ है यहाँ पे, वैसे काफ़ी ज़्यादा अनमिश भी आई है साथ अब। और बस उसके बाद मैं ग्रॉसरी करने जाऊँगी, तो आपको जो है वो दिखाऊँगी कि लास्ट टाइम मैं ग्रॉसरी करने गई थी, मैंने वीडियो बनाई थी, उसके अगले दिन मेरा मोबाइल घूम गया था, और आज जब मैं ग्रॉसरी की वीडियो बनाने का सोच रही थी तो मैंने कहा आई लव ये वाला मोबाइल भी ना घूम जाए। अर्मिश आ गई आज मेरे साथ और बहुत तंग कर रही है ना अर्मिश? बलाज आप क्यों तंग कर रहे हो? नहीं तंग कर रहे हो? भाई तो अभी हम लोग आए हैं सेव मार्ट पे शॉपिंग करने के लिए, और अर्मिश सो गई है, इसको मैंने कहा अभी तक घर रुको, फिर अब गाड़ी में छोड़कर जा नहीं सकती। चलो चले अर्मिश, नींद आ गई है, और ट्रॉली में डालती हूँ सुझाना। चलो आओ, बल्कि ये है स्ट्रॉबेरी, देखिए बहुत छोटी छोटी सी अभी तो। क्या लेना है, एप्पल लेना, वो देखो एप्पल अभी छोटे छोटे डालना है अर्मिश, ग्रीन ग्रीन डालना है, इससे डालो, शॉपर खोलो सही से, उसमें डालो नीचे खड़े हो, एप्पल डालो अर्मिश के साथ, अर्मिश के साथ एप्पल डालो, डालो खोलो शॉपर, लो दो रात शॉपर पकड़ो, ये लो जी, और डालो ना, ढेर सारे लेने हैं एप्पल, भारी हो गया शॉपर। वकास ले रहे हैं यहाँ पे किन्नो है, ये किन्नो क्या लेना है, लीमू पड़े हैं ढेर सारे, एप्पल वो नीचे, केला भी नीचे, ऑरेंजेस भी हैं, स्ट्रॉबेरी भी है, और क्या लेना है,
और क्या है, कीवी नहीं ली है मैंने। क्या चीज़, कलेजी ले लो ना, फ्राई कर दो, पहले ही रखी हुई है तो वो फ्राई कर देती हूँ। बुरे है ना वकास, आगे से कह रहे हैं कि टाइम नहीं होता तुम्हारे पास, कब बना के दोगी, कब बना के देती हो तू। मतलब यार बीमारी में भी मैंने एक मिनट नहीं रेस्ट किया, रात को 2-2 बजे भी खाने बना बना के दे रही हूँ, और ये बीमार था तो मैं इनको 3-3 बजे तक यखनियाँ बना के देती रही, तो मुझे इन्होंने इतनी तोफीक नहीं होगी कि यखनी बना दूँ, इनको आती नहीं खैर से बनाने। पर कसम से मर्द जरा लिहाज करते, फौरन बात मार देते। ये वाला लिया था नट क्रैकर, ये हमारा टूट गया, 795 कहाँ से कोई सी उठा लें, ये सही है नहीं है वाली बारीक छन्नी है, सही चाय बड़ी फिट छन्नी है। यहाँ पे जी बच्चों ने आइसक्रीम ली है तो फिर उनको देख के मैंने भी ले लिया आइसक्रीम। मैंने कहा यूनिवर्सिटी में गला खराब होता था तो आइसक्रीम खाते थी, गला सही हो जाता था। तो जो हम स्पेगेटी के लिए सेवइयां यूज करते हैं वो है ये वाली, ये इंडियन कलर्स में आती है और ये हमारी बहुत यूज होती है, हर दूसरे दिन बनानी पड़ती है, हर दूसरे दिन बनानी पड़ती है। हम लोग जी मेरी आइसक्रीम ले ली है वकास से, वो देखें बेईमान आदमी अपने नहीं लेते। चने ले लिए मैंने, डॉक्टर वाला लेना ना, डॉक्टर कफ जिशाना। ओके भाई, तो यहाँ पे हमारी हो गई है ग्रॉसरी शॉपिंग कंप्लीट। अब वकास रात को 1 बजे आए 2 बजे आए, मुझे पीछे टेंशन नहीं होगी, सारा सामान घर पड़ा हुआ है। वकास की दाल नहीं मिली, पर काली वाली मैंने वकास को तंग भी किया, मैंने कहा वकास माँ की बाप की दादी की सबकी दाल पड़ी हुई है, आपकी काली वाली दाल नहीं रखी हुई इन्होंने, हालांकि वो बोल रहे थे मेरा बड़ा दिल कर रहा है खाने का। खैर जी, उसके बाद हम लोगों ने ट्रॉली रखी यहाँ पे लिफ्ट में, इससे ना सामान ऊपर चला जाता है, तो मैंने कहा आप लोग जाए मैं सीढ़ियों से आती हूँ, क्योंकि लिफ्ट काफ़ी हिल रही थी ना, मुझे डर लग रहा था, मैंने कहा ऐसा ना हो कि गिर जाए, और मेरा वजन से और ज़्यादा वजन नहीं जाएगा, मेरा वजन भी अच्छा खासा है 50, तो इसलिए मैं चढ़ी नहीं ट्रॉली के ऊपर। अरमिश उतरने लगी थी, वकास उसको पकड़ के पीछे किया कि ट्रॉली ऊपर जा रही है, क्या कर रही हो आप। खैर जी, ये बच्चे यहाँ से ऊपर आए, मैं सीढ़ियों से गई हूँ, सीढ़ियों का भी इतना वो नहीं था, लेकिन ट्रॉली नहीं जाती ना सीढ़ियों से। अब यहाँ पे अरमिश को पता नहीं है कि मैं ऊपर आ गई, अरमिश झुझके देख रही है मामा कहाँ है, मैंने आवाज़ दी अरमिश मैं आ गई हूँ। फिर बस उसके बाद जो है ये खुद आते हैं ना सामान वगैरह रखने गाड़ी में, इन्होंने सामान वगैरह रखा है घर। और बिलाज और अरमिश ने बहुत तंग किया है, कभी लॉलीपॉप ले दो, कभी आइसक्रीम ले दो, कभी ये ले दो, कभी वो ले दो, तो वो सामान रख के ट्रॉली लेके चले गए हैं। अब हम घर जाएंगे, क्योंकि हमने कोई 3 महीने बाद या 2 महीने बाद आज ग्रॉसरी की है ना बस। हाँ मतलब हम सिर्फ ना वो ज़रूरत की चीज़ें ले आते थे, लाइक ये टमाटर या ऐसी चीज़ें, लेकिन काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो ख़त्म हुई हुई थी काफ़ी टाइम से। यार खाया पिया गो जान ही नहीं है, मुझे दे दो चलो ले आओ। चलें जी, अभी मैं अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज करती हूँ, सारी चीज़ें जहाँ जहाँ रखनी है साथ साथ रखती जाती हूँ, फ्रिज में रख रही हूँ फ्रोजन फूड दो। भाई सारी चीज़ें जो है वो मैंने ऑर्गेनाइज कर ली हैं फ्रिज वाली फ्रिज में, अब बस आटा डालना है। और ये खाना आया हुआ है, अब शक्शन की तरह से ये मैं दिखाती हूँ आपको क्या आया हुआ है। अंडे वॉश करने रह गए मेरे, और मेरा रह गया है गोश्त वगैरह, वॉश करके रखूँगी ना फ्रिज में। भाई आटा शाटा सब कुछ मैंने संभाल दिया है, गोश्त भी धो दिया है मैंने, बस पानी निचड़ तो फिर मैं इसको फ्रीज़ करती हूँ, क्योंकि आज मैंने बनाने थे चाप ले किचन की तरफ से, तो अभी आपको लगा के दिखाती हूँ उन्होंने क्या भेजा है। ओके भाई, तो अब शाह किचन की तरफ से आया है हमें ये एक वैलेंटाइन बॉक्स, और सब ब्रांड इसलिए भेज रहे हैं चीज़ें वगैरह कि मेरा बर्थडे भी है 16 को, सबको बताए। खैर जी, इन्होंने मुझे बहुत क्यूट सा केक भेजा है, साथ में यहाँ पे आइसक्रीम भी है, केक की बनी हुई दिल हैं दो, एक मेरा एक वकास का और एक मेरी एक वकास की आइसक्रीम, और साथ में एक टेडी बेयर भी है जो कि यहाँ बटन से ऑन ऑफ होता है, ये देखें। अब मैंने ना इंस्टाग्राम पे इनके पेज को टैग किया हुआ है, बिस्मिल्लाह मेरा केक बच गया, मैंने इंस्टाग्राम पे इनके पेज को टैग किया हुआ है, तो आप लोग वहाँ जाके चेक कर लें, ठीक है। इन्होंने मुझे भेजा है चिकन मंचूरियन, साथ में चाइनीज़ राइस, और राइस बहुत ही यम्मी है, मैंने खाए हैं। अब बस वकास आते हैं तो फिर मैं खाना गर्म करती हूँ, फिर हम खाते हैं बैठ के, वकास घर पर नहीं है इसलिए मैं केक भी कट नहीं कर रही हूँ। आज जो है ना मैंने चाप बनानी थी, वो जो भुनी हुई चाप होती है ना, वो मेरा बहुत दिल कर रहा था, मैंने वकास बोला था आप नान ले आना, मैं रायता बना लूँगी धनिया जीरे और हरी मिर्चों वाला पुदीने वाला, और साथ में चाप फ्राई करूँगी, वो जो बनाते हैं ना आपको पता है जैसे सब्जी बनाते हैं वैसे चाप बनती है, थोड़ा सा उबाल लो चाप को, फिर मसाला वसाला लगा के उसको ऑयल में फ्राई कर लो, और इतनी लजीज बनती है ना वो। अच्छा, मुझे पिछले किसी वीडियो में कॉमेंट आया था, क्या आपको पता भी है कि मटन के गोश्त के रेट कहाँ पहुँचे हुए, तो कसम से मुझे नहीं पता, क्योंकि ना मैं ग्रॉसरी करने जाती हूँ वकास के साथ,
लेकिन कभी मैंने बिल दिया ही नहीं जो मुझे पता हो कि कौन सी चीज़ कितने की है। और दूसरी चीज़ ये है कि वकास ना सारी चीज़ें इकट्ठी ले आते हैं तो इकट्ठा बिल पे कर लेते हैं, कभी 8,000 कभी 9,000 कभी 10,000 बिल बन जाता है। तो कभी लिस्ट भी चेक नहीं करी कि एक एक चीज़ की प्राइस चेक करूँ, मुझे किसी चीज़ की रेट नहीं पता, इवन मुझे मिर्चे भी नहीं पता कि मिर्चे कितने की आती है। लेकिन आज जब वकास ने गोश्त बनवाया ना, मैंने उनको बोला यखनी के लिए भी बनवा लें गोश्त, और दूसरी चीज़ है मैंने चाँपें खानी है तो मुझे चाँप के लिए गोश्त चाहिए, तो उन्होंने ले लिया। तो फिर और मैंने कहा चिकन भी ले लें क्योंकि अभी चिकन जो है ना बिल्कुल फ्रिज में ख़त्म हुआ है। तो फिर मैंने स्पेशल उनसे लेके ना बिल चेक किया था और 4,000 बिल बना था जिसमें हमारे 2 किलो चांपे थी और 1 kg जो था वो चिकन था। अब मुझे नहीं पता उसमें चिकन कितने का था और चांपे कितने की थी। तो सही है यार, इतना सारा गोश्त था और वो हमारा तो वो 4 दफ़ा यूज हो जाएगा, चांपे जो है इतनी सारी हैं और चिकन जो है वो कोई मेहमान वगैरह आता है तब यूज़ होता है, या मैंने बनानी हो कोई कढ़ाई या स्पेगेटी बनानी हो तब यूज़ होता है। तो खैर ये मेरा आज का छोटा सा व्लॉग था, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ऐसा है तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।